क्या कह रहे हैं? गणित की परिभाषा जो आपसे निर्धारित की है, गणित की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है, यह परिभाषा भगवत कृपा से हमारे द्वारा निर्धारित की गई है भगवान सूर्य की कृपा से। तत्व ज्ञान और गणित का ज्ञान हमको भगवान सूर्य से जीवन में प्राप्त है। पूज गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कटपाती जी महाराज का बड़ा दास्त है, उनसे विद्या अध्ययन विधिवत किया है। गणे ये माने गणना योग, काउंटिंग का जो विषय है, और जो गणना के बाहर है उसकी लक्षणा, गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम है गणित। एक विचित्र बात है, कोई भी वस्तु उत्पत्ति युक्त होती है तो संख्या की सीमा में ही होती है। जगत चूँकि उत्पन्न होता है, मानव बुद्धिगम्य जो गणित है उसकी सीमा के बाहर होने पर भी उत्पन्न व्यक्ति और वस्तु की संख्या सीमित हो ही सकती है। महाभारत में गणित का यह स्वरूप प्रस्थापित किया गया है, इसलिए हमने कहा गणेय को ही संख्येय कहते हैं। संख्या की सीमा में निबद्ध गणेय की गणना और अगणित की असंख्य। अब वो कहीं कहीं देखे जहाँ तक अगणित योद्धा, यहाँ अगणित का अर्थ है बहुत, योद्धा थे तो गणित की सीमा में ही रहे होंगे ना। देखे जहाँ तक अगणित योद्धा, अगणित का अर्थ है बहुत, असंख्य भी होता है, लेकिन महाभारत का सिद्धांत है गणित को लेकर कोई वस्तु उत्पन्न है तो संख्या की सीमा में ही, संख्या का अतिक्रमण करके नहीं, मानव बुद्धिगम्य संख्या की सीमा का अतिक्रमण करके वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं। आगे गणित की गणना अगणित की लक्षणा, इसलिए लक्षणा अविधा वृत्ति से नहीं लक्षणा वृत्ति से गणित की गति अगणित, अगणित कहने पर भी गणित की सीमा में होती है। जैसे शब्द की जो प्रवृत्ति होती है अविधा वृत्ति से जाति गुण क्रिया संबंध रूढ़ी को लेकर होती है, जाति को लेकर गुण को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर रूढ़ी को लेकर शब्द की प्रवृत्ति होती है अविधा वृत्ति से, जो व्याकरण का सिद्धांत है। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है, इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति को लेकर गुण को लेकर क्रिया को लेकर संबंध को लेकर रूढ़ी को लेकर हुई है, लेकिन आत्म तत्व एक और अज है, निर्गुण है, निष्क्रिय है, असंग है, डिथ डबित इत्यादि रूढ़ी परक वचनों से भी अतिक्रांत है। ऐसी स्थिति में आत्म तत्व का प्रतिपादन शब्दों के द्वारा कैसे होगा? गंध रस रूप स्पर्श की अपेक्षा शब्द शब्दातीत के भी प्रतिपादक हो जाते हैं, अशब्दम कहने पर भी स्पर्शम कहने पर भी ज्ञान होता ही है। नेति नेति जय वेद निरूपा, शब्द निर्दिष्ट साधन है, सबसे समीप साधन, इसलिए विधि गर्भित निषेध मुख से, निषेध गर्भित विधि मुख से वेदांतों की प्रवृत्ति होती है। नेति नेति सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म, विधि मुख से हो गई। ये जो विधि मुख से है इसमें भी निषेध गर्भित विधि मुख से, और नेति में स्थूलम इत्यादि जो वाक्य हैं वो निषेध परक हैं, लेकिन विधि गर्भित निषेध मुख से नेति नौ स्थूलम इत्यादि शब्दों की प्रवृत्ति होती है, और निषेध गर्भित विधि मुख से सत्यम आदि की प्रवृत्ति होती है। ये सब गंभीर विषय है। आगे